नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां तिगांव में आयोजित एक रैली में मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर दोषी पाए जाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले स्टेट लेवल पर विजिलेंस करती थी भ्रष्ट अधिकारियों की जांच, लेकिन अब डिविजन लेवल पर 6 विजिलेंस ब्यूरो बनाए गए हैं ताकि भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। फरुखाबाद नगर पालिका चुनाव को लेकर जिले में सरगर्मी अब तेज हो गई है। वह इस दौरान क्षत्रिय महासभा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों ने नगर पालिका के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है, जबकि नगर पालिका के चुनाव में पहली बार ताल ठोक रही क्षेत्रीय महासभा ने प्रदेश सचिव पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह को अपना दावेदार बनाया है। आप बहुत समय से क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए हैं और आज क्षत्रिय महासभा की जो कोर कमेटी है उसके द्वारा नगर पालिका चुनाव में भी आपको लड़वाने का ऐलान किया गया है, इस संदर्भ में आप सबसे पहले जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे परिवार का, क्षत्रिय परिवार का ने हमें इस तरह की एक जिम्मेदारी देने का विचार किया है, तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि क्षत्रिय समाज में भी हमें इससे पहले प्रदेश स्तर पे और जिला अध्यक्ष भी मैं 5 वर्ष फरुखाबाद की सेवा की है। हमें हर परिवार के बारे में जानकारी भी है और हमारा क्षत्रिय परिवार फरुखाबाद में बहुत अधिक संख्या में रहता है। काफ़ी क्षत्रियों के घर नए नए बन गए हैं, तो अपने फरुखाबाद में भी क्षत्रियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। अयोध्या जनपद के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह ने होली मिलन समारोह में बड़ा इशारा करते हुए कहा कि 2024 में बिना सपा के समर्थन के केंद्र की कोई भी सरकार नहीं बन सकती। वह इस दौरान अभय सिंह का समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, तो अयोध्या में सपा के प्रत्याशी ने एक बड़ा इशारा करते हुए कहा कि 2024 में जो भी केंद्र में सरकार आएगी वो बिना सपा के समर्थन के नहीं आ सकती है। हाँ, तो 2024 में क्या लगता है आपको क्षेत्र? 2024 में जो भी सरकार बनेगी बगैर हमारे समर्थन कोई सरकार नहीं बन पाएगी। हाँ, तो 2024 में क्या लगता है आपको क्षेत्र? 2024 में जो भी सरकार बनेगी बगैर हमारे समर्थन कोई सरकार नहीं बन पाएगी। हाँ, तो 2024 में क्या लगता है आपको क्षेत्र? 2024 में जो भी सरकार बनेगी बगैर हमारे समर्थन कोई सरकार नहीं बन पाएगी। सरकार बनेगी वो बिना सपा के समर्थन के नहीं बन सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लॉज की दीवारों पर किसी छात्र गुट ने विवादित स्लोगन लिखे हैं। इस दौरान इसकी फोटो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एएमयू में इस फोटो के वायरल होने से हड़कंप मच गया। वीसी लॉज की दीवारों पर लिखा गया कि कैनेडी हॉल में प्रोग्राम, क्लासरूम में कोरोना, वीसी वेकअप। छात्रों ने इस पर कहा है कि एएमयू कैंपस में प्रोग्राम चल रहे हैं और क्लासरूम में कोरोना बैठा है, कैंपस में क्लासरूम चालू कराने के लिए ये स्लोगन छात्रों द्वारा लिखे गए। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही एएमयू इंतजामिया को हुई तो आनन फानन में सड़कों और दीवारों पर सफेद पेंट कराया गया। इस दौरान ये इस पूरे मामले का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है कि छात्रों की जो क्लासेस चालू नहीं हो रही है उसको लेकर एएमयू की दीवारों पर लिखा गया है कि क्लासरूम में कोरोना है, जबकि कॉलेज कैंपस में लगातार प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका और किस तरह के स्लोगन्स लिखे गए हैं? देखिए, मेरा नाम आपू से दिलवाड़ सिद्दीकी। देखिए, कुछ स्लोगन्स वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसपे कुछ लिखा हुआ है कि एमयू वाइस चांसलर गॉट एक्सटेंशंस और व्हाट स्टूडेंट गॉट योर वेक अप वीसी, ये सब तमाम लिखा हुआ था। कैनेडी में इवेंट्स हो सकते हैं मगर क्लासरूम में कोरोना, तो ये तमाम चीज़ तस्वीर वायरल हुआ है जो दीवार पर लिखा हुआ था। अब किन्होंने किया, किसने किया ये तो पता नहीं है, लेकिन ये तमाम तस्वीर वायरल हुआ, जिसको लेकर बच्चों का यही है कि जो
इवेंट्स हो रहा है, तमाम कल्चर तमाम चीज़ हो चीज़ प्रोग्राम हो रही है, मगर क्लासरूम नहीं खुल रहा है, उसी को लेके कुछ ये तस्वीर वायरल हुआ, कुछ नारा लिखा गया है। स्लोगन लिखे गए, किस तरीके के स्लोगन है और वो कौन सी दीवार है जिस पर लिखे गए? स्लोगन जो लिखे गए थे, ये जो पीछे की दीवार दिख रही है आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी, यही दीवार है, ये वाइस चांसलर लॉज की दीवार है। उसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा गया था कि कोरोना काल बताया जा रहा है लेकिन कनेडी हॉल खुला हुआ है, यानी वहाँ पर तमाम तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम से मुराद यानी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, आज के डेट में कोई फिल्म है मुझे मालूम नहीं कौन सी है, लेकिन हमारे क्लासरूम बंद हुए हैं, यानी सिर्फ एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर में जो फोर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासरूम ओपन किया गया, और पीएचडी वालों के लिए अपने रिसर्च के लिए, लेकिन आमतौर से बीए के स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई से इनको कोई लेना देना नहीं है, और वाइस चांसलर का अपना एक्सटेंशन हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सर, एमी छात्रों द्वारा कोई स्लोगन है, उस पर क्या है सर मामला? हाँ, ये अभी ये जो पिछली रात गुजरी, इससे पीछे की रात में यूनिवर्सिटी के जो विशेष लॉज है उसकी दीवार पे कुछ रात में कुछ लोगों ने उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है कि किसने ये लिखा है, कुछ स्लोगन लिख दिया है। बेसिकली वो स्लोगन ज़्यादातर जो स्लोगन है उसमें लिखा हुआ है वो क्लास खोलने के, यानी ऑफलाइन खोलने के लिए है। उन्होंने लिखा है कि साहब क्लासरूम में कोरोना और कैनेडी हॉल में प्रोग्राम, यानी कुछ कोई प्रोग्राम शायद कैनेडी हॉल वगैरह में शेड्यूल है, तो उसको लोग लेकर के लड़कों ने कुछ अपना कंसर्न जाहिर किया है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो रही हैं और कैनेडी हॉल में प्रोग्राम हो रहे हैं। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कोडियागंज में घर पर काम कर रही महिला के पास एक बम गिर गया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वह इस पूरे मामले के बाद पीड़ित महिला के पति ने घटना की जानकारी पुलिस को तो दी, लेकिन सूचना मिलने के बावजूद भी काफी देर तक घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची। अलीगढ़ के जवा थाना इलाके के बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सामने से आ रही तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हुई महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वह इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर तो कब्जे में ले लिया है, लेकिन आरोपी चालक मौके से फरार हो गया है। ये आपके कौन थे? मेरे चाचा हैं ये दोनों। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये अपने गांव से डिबाई जा रहे थे गांव में इंतकाल में। अच्छा, किसी की मृत्यु में? मामू की लड़की, मामू की बेटी का इंतकाल हो गया था, वहाँ जा रहे थे, तो हस में इनके गांव में एक्सीडेंट हो गया। तो कितने लोग बाइक पे थे? तीन जने थे, एक बच्ची थी छोटी। अच्छा, फिर तो उसने डंपर वाले ने, राख वाला जो होता है उसने डंपर, उसने सोचा मैं निकाल लूंगा पहले, इन्होंने धीरे धीरे करके इन्होंने भी कहा मैं निकाल लूं, तो उसने सामने से इनमें ठोक दिया। औरैया के एरवा कटरा में बाइक से तिरवी संस्कार में जा रहा था युवक। जैसे ही युवक एरवा कटरा बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास पहुंचा, अचानक सामने से आ गए जानवर को बचाने के चक्कर में उसकी बाइक एक ऑल्टो कार में जा टकराई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको सीएचसी एरवा कटरा में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे डॉक्टरों ने सैफई मिनी पीजीआई रेफर कर दिया। वही थाना एरवा कटरा उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने तुरंत मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस का भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने ही वाहन से तुरंत घायल को सीएचसी एरवा कटरा भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बच पाई। खबर सीतापुर से है, जहां लखनऊ में बिसवा की ओर जा रही एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर चौड़िया के पास एक बस से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार और तीन स्कॉर्पियो सवार लोगों बुरे तरह से घायल हो गए, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बाइक सवार सर्वेश टोली को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है। खबर कुशीनगर से रामकोला थाने के कटघरही गांव से है, जहां एक मुस्लिम युवक को भाजपा का प्रचार करने और सरकार बनाने पर मिठाई बांटने के कारण पट्टीदारों ने युवक को जमकर पीटा, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक का शव जैसे ही गाँव पहुंचा तो उस दौरान लोग आक्रोशित हो गए
और शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। वह इस पूरे मामले के दौरान पुलिस और अधिकारियों से पीड़ितों ने कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद एक मुस्लिम युवक को अब अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या वो तो लगी के है तो आप बेटा हम कहाँ जो मरे हैं कौन है बेटा हम बेटा कैसे इनकी मौत हो पड़ा लो मार दिया लो वो तो दाहले खाती है बीजेपी को हाँ बीजेपी को दाहले खाते भाजपा का कोई खाते मारा लो मावल लो पड़ा ये आरी अजमुल्ला आ ये थी जलेखा सलमा नमीसुल तो ही को जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बक्सा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बक्सा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से कृत किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। कथित रूप से कहा जा रहा है परिजनों का क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो प्रचार कर रहा था, इसलिए पिटाई हुई, मौत हो गई। आप लोग मौके पर आए, क्या जानकारी मिली है, क्या कार्रवाई? अभी प्रथम दृष्टया डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा एफआईआर लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया है। अभी इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं, विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मैलानी थाना क्षेत्र के गांव प्रवस्त नगर निवासी ग्रंट नंबर 3 वीट के जंगल में मवेशियों को चराने लेकर गए थे कि वहां पहले से ही घात लगाए बैठे बाघ ने मवेशी चराने गए वृद्ध पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वह इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों और वन विभाग के कर्मचारियों ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि वन विभाग अब पूरे जंगल की निगरानी करने में जुट गया है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कहाँ रहते हो? यहीं रहते परवेश नगर। ये घटना कैसे घटी है? गाय चराने गए थे जंगल में, हम तो दिल्ली में थे जी, वही शेर से घटना हो गई। आपको सूचना कैसे मिली? यहीं घर से सूचना मिली, घर वालों ने दी। क्या सूचना मिली? कि पिताजी जंगल गए थे गाय चराने, वहाँ से वापस नहीं आए, लेकिन गाय आ गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।